अस्सलामु अलैकुम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SBP जॉब्स यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद जॉब के हवाले से इन डिटेल। जैसा कि इन जॉब्स के लिए एप्लीकेंट की उम्र, एप्लीकेंट की तालीम और जेंडर क्या होना चाहिए और इन जॉब्स पर हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ एंड जॉब सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहले सब्सक्राइब करें और साथ एक बेल आइकन का बटन होगा इसको भी प्रेस करके ऑल के टैब पर क्लिक करें ताकि जॉब से रिलेटेड हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। इसके लिए आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने टाइप करना है NTS। NTS टाइप करने के बाद आपने इंटर का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपने NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस के थ्रू आई है। नेशनल टेस्टिंग सर्विस यानी NTS की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपने नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। नोटिफिकेशन क्लोज करने के बाद आपने पेज को डाउन करना है और अपकमिंग टेस्ट वाले टैब पर आना है और क्लिक करना है। अपकमिंग टेस्ट के टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आपने पेज को डाउन करना है। 5 नंबर पर आपको स्टेट बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम 24th बैच स्क्रीनिंग टेस्ट आपके सामने आ रहा होगा। इसकी जो लास्ट डेट है 8 मई 2020 यानी 8 मई 2020 है। आपने क्लिक हियर पर क्लिक करना है। स्टेट बैंक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कीम की जॉब्स जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपने एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना है। तो एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करें। इसके बाद आपने इसको ओपन करना है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद जॉब के हवाले से एप्लीकेंट की उम्र, तालीम क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। मास्टर और बैचलर डिग्री विद 16 ईयर एजुकेशन यानी MA हो या BS हो 4 साल, मिनिमम 60% मार्क्स अगर एनुअल सिस्टम है या अगर CGPA वाला सिस्टम है 2.5 CGPA हो आउट ऑफ 4 में से, अगर आपके जो है 3.5 हो, अगर 5 CGPA टोटल है तो 3.5 CGPA आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो तालीम होनी चाहिए मास्टर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एग्रीकल्चर। ये एप्लीकेंट जिनके पास डिग्रीज इन डिसिप्लिन में है जो एडवर्टाइजमेंट में दी गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करते हैं, मैक्सिमम एज 26 ईयर्स है और आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई। रिलैक्सेशन सिर्फ उन लोगों के लिए है 3 साल की जिनका ताल्लुक फाटा से है, नॉर्दर्न एरिया ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर, यानी फाटा वाले, नॉर्दर्न एरिया बलोचिस्तान वाले, गिलगित बल्तिस्तान वाले और आज़ाद कश्मीर वाले को 3 साल की रियायत है और 5 साल की जो रियायत है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन के लिए है। आपने NTS के थ्रू अप्लाई करना है। आपने दोबारा NTS की वेबसाइट पर जाना है और क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने इस टैब पर क्लिक करना है तो आप एप्लीकेंट यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में मौजूद जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि आप इन जॉब पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं घर बैठकर। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।